जंगल में चीते रहे हैं, सुने बहुत होंगे, लेकिन आज तुमने ग्राउंड पे चीते दिखाऊंगा। देख लो और दाढ़ देख लो कभी चीता की। हिंदुस्तान हिंदुस्तान हिंदुस्तान। तो भाई साहब ये तो है दाढ़, और अब है तैयारी। तैयारी पता है किस चीज की? तैयारी है फौज की भर्ती की, और फिलहाल सारे के सारे चीते तैयार हैं। तैयार हो पक्का? तैयारी जो है वो शुरू है, और स्टाफ हमारे साथ में है, जो स्टाफ इनको फौज की तैयारी करवा रहे हैं, और करीबन करीबन 700 से 800 बच्चे यहाँ पर सिर्फ तैयारी करवाने के लिए, इस दौड़ के अंदर भागने के लिए आए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, जो जलवा हुआ वो कहीं और नहीं, हिसार शहर से तुषाम रोड के ऊपर जाते तो शांति निकेतन के अंदर एक बहुत बड़ी अकेडमी जिसका नाम है शंकर राय अकेडमी। और इधर आप ये स्टाफ देख पा रहे हैं शंकर राय अकेडमी का, और जलवा देख पा रहे हैं बच्चों का। हाँ जी, एक बार तैयारी करके दिखाइए बाजन का तर, फटाफट पोजीशन। यस पोजीशन, ये तैयारी है, बजाऊंगा इबे बजाऊंगा। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं? नमस्कार, बहुत बढ़िया। कब से तैयारियां करवा रहे हैं बच्चों को? बच्चों को हम 3 साल से करवा रहे हैं वैसे तैयारी। तो कितने के बच्चे लगवा दिए हमने? बहुत सारे बच्चे लगवा दिए एयरफोर्स में। पिछली बार हमारे 154 में से 92 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, और उससे पिछली बार फर्स्ट रैंक भी आया था, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। फर्स्ट रैंक शंकराय एकेडमी से? जी जी। बात है, कमाल है, ताड़ियां होनी चाहिए। फर्स्ट रैंक शंकराय एकेडमी से। हाँ जी भाई साहब। जी सर जी। तो ये कोई शक नहीं है कि जो हमारे पास बच्चे आते हैं वो चीते होते हैं, और इंटरव्यू में बिठा दिया तो तोते की तरह बोलते हैं, क्योंकि नॉलेज होती है उनको। दिन रात लग के हम तैयारी करवाते हैं, कोई कंप्रोमाइज नहीं है बच्चों के लिए, सब कुछ खुला है, पूरी फैसिलिटीज़ के साथ अकेडमी रन करते हैं हम, बहुत बढ़िया तैयारी करवाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बलवान जी हैं, और अभी फिलहाल इनको करेंगे इशारा दौड़ने के लिए। आर यू रेडी? यस सर। है और गो। बलवान जी, कितने बच्चे भाग रहे हैं इनके अंदर? सर 100 बच्चे भाग रहे हैं। जैसे आर्मी के अंदर ग्रुप बजाते हैं, ऐसे हम ग्रुप बजा रहे हैं फिलहाल। okay. जी सर, विनती करता हूँ कि ज्वाइन करें शंकर डिफेंस अकेडमी। कितने के बालक जो फिलहाल बजाए जा चुके हैं, कितने के बच्चे फर्स्ट आए हैं, फर्स्ट टेन आए हैं? आज है ना कम से कम भी 1500 बच्चे आए हुए हैं, और 7-8 ग्रुप बाज लिए, 7-8 ग्रुप और बाकी है अभी। तो इनमें से जो फर्स्ट बच्चे होंगे उनको सम्मानित कराएंगे कैप्टन बलबीर के द्वारा, शंकर डिफेंस एकेडमी के जो संचालक है उनसे इन बच्चों को सम्मानित कराओगे। क्या बात है, चीते आ लिए भाई, बोल गए भाई साहब, खुला स्वागत। क्या बात है, ये ले भाई खुल गए, क्या बात है, ये देख पा रहे हैं आप, ये जलवा शंकराय एकेडमी में। बहुत बड़ी खबर आप देख पा रहे हैं, शंकराय एकेडमी के अंदर फौजियों की भर्ती होते हुए, और ये चीते जो आज ग्राउंड के ऊपर अपना जलवा दिखा पा रहे हैं। सर मैंने तो वैसे तो कई भर्तियां देखी है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने जोश देखे ना बच्चों के अंदर, खतरनाक जोश है, कैसे पैदा करते हो? ये आप ये मानिए कि ये फाइनल रिहर्सल है बच्चों के लिए। अभी बच्चे भर्ती के लिए जाने वाले हैं, 12 तारीख से हिसार बीआरओ में भर्ती है, एआरओ में, और ये फाइनल रिहर्सल है इनकी। ये पूरा टाइम चेक हो जाएगा बच्चों का, जो भी दिक्कत होगी वो करेक्ट करेंगे बच्चे, और मेडिकल भी हम यहाँ पे कर रहे हैं बच्चों का, कोई भी अगर उनमें पॉइंट होगा तो उनको हम आगाह करेंगे और वो उसको अपना ठीक करवा लेंगे। लांबा साहब हमारे साथ में है। सर एक बात बताइए, छोटा सा सवाल, कोई व्यक्ति हिसार शहर से नहीं है, मान लिया हरियाणा से भी बाहर का है, उसके मन के अंदर है कि भाई मेरे को फौज के अंदर जाना है और मैं भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन कोई अच्छा सा कोच नहीं मिल रहा, कहाँ पर जाऊँ, कैसे जाऊँ अगर वो शंकराय में आना चाहे, तो क्या बाहर का व्यक्ति भी पर आकर तैयारी कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है सर, क्योंकि हमारे यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी है, ग्राउंड है, स्टडी है, मेस है, वेल वेंटिलेटेड रूम्स हैं, उसके अंदर कूलर फैसिलिटी है, और साथ में कोच की आपने बात करी तो उस पर कोई शक ही नहीं है, बलवान बुरा जी हैं, XNSG कमांडो, आर्मी हौलदार है ना, तो सारी फैसिलिटी है, और टीचर जो है मेरे वो यहीं रहते हैं सारे,
तो बच्चा आराम से तैयारी कर सकता है। और हमारे पास अभी गुजरात से बच्चे भी हैं, महाराष्ट्र से बच्चे भी हैं, यूपी से भी हैं, बिहार से भी हैं, जम्मू से भी हैं। इतनी दूर से आए हुए हैं? बिल्कुल हैं, इतनी दूर से। 11वीं 12वीं के जो बच्चे अब जो हमें सेगमेंट अभी शुरू किया है 11वीं 12वीं का, जिसके अंदर नॉन मेडिकल और आर्ट्स की दो स्ट्रीम हमारे पास हैं, बच्चा हमारे पास रहता है, हमारे पास तैयारी करता है, यहाँ तक कि किताबें भी उसको हम देते हैं। माँ बाप को खतरा रहता है बच्चा बाहर जाएगा, दूसरी संगत के अंदर ना पड़ जाए, टीचर पता नहीं उसका ख्याल रख पाएंगे नहीं रख पाएंगे। आजकल बच्चे सबके एक एक हैं, बिलाजी कड़िया नशे पते की दुनिया में बढ़ गया तो नाश हो जाएगा। ऐसा है सर, बच्चा यहाँ कंपाउंड में एक बार एंट्री हो गया तो बाहर नहीं निकल सकता। दिन में 5 बार तो अटेंडेंस होती है उसकी। एक रूम में 8 से 10 बच्चे रखते हैं हम। हर रूम का रूम मॉनिटर है, रूम मॉनिटर को पता होता है कौन सा बच्चा कहाँ है, क्या रोल नंबर है, कहाँ कहाँ है, तो रूम मॉनिटर हमें तुरंत बता देगा अगर 1 घंटे से ज़्यादा कोई बच्चा इधर उधर होता है। पहली बात तो जा ही नहीं सकता क्योंकि हम जंगल में है, आपने कहा जंगल में है, आप यहाँ से हिसार जाओगे तो शाम जाओगे, आधे घंटे से पहले आपको कहीं का साधन मिलेगा ही नहीं, तो जंगल में बच्चा कहाँ जाएगा भाग के, घूम फिर के वापस आ जाएगा। आज तक तो कोई गया नहीं, 3 साल हो गए हमें चलाते हुए अकेडमी, 3 साल में एक भी कंप्लेंट नहीं। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है सर, कैसे विश्वास करें शंकराय के ऊपर? अकेडमियाँ बहुत हैं, बहुत लोग तैयारी करवा रहे हैं, बहुत लोग ग्राउंड में भी तैयारी करवा रहे हैं, लेकिन व्हाट इज डिफरेंस ऑफ द अदर अकेडमीज? सबसे पहला डिफरेंस तो ये है सर, जैसे आपने कहा 11वीं 12वीं का जो बच्चा है उसको मोबाइल की आदत है सबसे गंदी, नशे पते की आदत है सबसे गंदी, आज ये 2 सबसे बड़ी चीज़ है। हम तो यहाँ से 9 बजे चले जाते हैं, लेकिन मेरा जो स्टाफ है 5 टीचर का जो स्टाफ है वो 24 घंटे यहीं रहता है, 24 घंटे यहीं रहता है सर। और बच्चा जो यहाँ आता है उसके अंदर 2 महीने जिन बच्चों को हो गए उनके पेरेंट्स से हमने फीडबैक ली है, बच्चे मिले हैं, माँ बाप ने कहा है जी हमारे बच्चे में चेंज है, मोबाइल चलाने का टाइम ही नहीं मिलता, तो मोबाइल का तो मतलब ही नहीं है कि उसके अंदर घुस जाए वो। अब बच्चा कहेगा सर मोबाइल चलाने का टाइम नहीं देते तो मैं क्यों जाऊँ आपके पास? भाई देखो, या तो आप पढ़ लो या फ़ोन चला लो, 2 ही चीज़ें हो सकती हैं। क्या बात है। तो फिलहाल शंकराय में हूँ, फ़ोन नंबर नीचे चल रहा है, अगर आपका बच्चा या फिर आपका सपना है कि मैं भर्ती की तैयारी करूं, और तैयारी छोड़िए सब तैयारी दुनिया करवाती है, लेकिन यहाँ पर जो एकेडमी है ना वहाँ पे लगवाया जाता है, चीता तैयार किया जाता है, अगर वो रुकता है ना तो साहब सीधी सीधी बात है बिलाजी रुकने नहीं दिया जाएगा, चाहे हमने जो मर्जी करना पड़ो। और आज ये देखो ये 3रा राउंड है, बहुत सारे बच्चे जो हैं ये देख पा रहे हैं ये भाग रहे हैं और फिलहाल ये जीत चुके हैं ये रेस, ये बहुत बड़ी बात है। जी सर, जैसे मैं आपके माध्यम से 2 बातें और बता दूँ, अभी फेज़ 2 एयरफोर्स का बैच चालू है, ये वही फेज़ 2 है जिसमें पिछली बार 154 में से 92 बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए थे, तो फेज़ 2 का बैच चालू है। आर्मी की जो भर्ती है वो 12 से ऑनवर्ड्स अगस्त से रहेगी, आर्मी का बैच चालू है सर। बेटा 11वीं 12वीं के जो एडमिशन्स हैं चालू हैं, NDA का बैच चालू है, NDA एयरफोर्स का बैच चालू है, फेज़ 2 सिर्फ 15 दिन मिले आपको तैयारी के लिए। वीडियो अगर आप देख रहे हैं वेट मत करो भाई, जब हमें नींद नहीं आ रही तो आपको कैसे आ सकती है? क्या बात है, जब हमें नींद नहीं आ रही तो आपको कैसे आ सकती है? बिल्कुल अचंभा लग रहा है हमको, बच्चे अभी भी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, कुछ बच्चों से खबर आई है कि हम रिजल्ट के बाद आएंगे। रिजल्ट के बाद बच्चों आपके पास टाइम नहीं रहेगा, और फिर सॉरी के सिवा मेरे पास भी कोई विकल्प नहीं रहेगा, क्योंकि जो 2 महीने की तैयारी है वो आपको 15 से 17 दिन में करनी है। दिन रात लग के यहाँ पे हम क्लासेस चला रहे हैं और बच्चों को तैयार कर रहे हैं। आप लेट मत करिए, जल्दी से जल्दी पहुँचिए शंकराय डिफेंस अकेडमी, तो शाम रोड हिसार। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका क्या मानना है दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर जवाब। और ग्राउंड के ऊपर आज आप इतने चीते देख पा रहे हैं, अगर आपने भी चीता बनना है तो शायद इस ग्राउंड के ऊपर आपको ज़रूर उतरना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको करिए शेयर और ख्वाब लीजिए आर्मी के अंदर जाने का, एयरफोर्स में जाने का, नेवी के अंदर जाने का, लेकिन वो ख्वाब ले तो लोगे, पूरा यहाँ पर होने वाला है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।